hello and welcome dear students <coughs> to the channel sheer academics so here i have come up again with uh, yet another chapter from the book first flight and a poem the name of the poem is amanda okay and it is written by robin klein now before अंडरस्टैंडिंग द पॉय लेटेस्ट टॉक अबाउट द ऑथर ऑथर कौन है रॉबिन क्लेन हु इज ए पॉइट ऑफ द चाइल्ड वी कैन से वो हमेशा बच्चों के बारे में ही ज्यादातर पॉयम लिखते हैं ओके ही हैज अ वेरी डीप सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द चाइल्ड दे आर इनो सेंस लव स्मार्टनेस ही ऑलवेज कैप्चर दिस थ्रू हीज वर्ड्स के लैटेस्ट स्टार्ट द पॉय नाउ इस पोएम में क्या होता है कि एक छोटे से बच्ची का रियल वर्ल्ड और उसका खुद का एक वर्ल्ड के बीच में कंपैरिजन बताया गया है ओके okay? नाउ no. पहले क्या लिखा हुआ है देखिए डू नॉट बाइट योर नेल्स अमेंडा डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा

हमेशा ही फॉलो करने के लिए कहा जाता है ओके okay. बट दो लड़कियों का मन नहीं होता है कि उसे वो, वो फॉलो करे बट ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स द नीड टू फॉलो द सेम यहां पर अमेंडा जो है उसके मम्मी से क्या बोल रही है कि डू नॉट बाइट योर नेल्स नेमेंडा अपने नाखून मत खाओ एमेंडा फिर बोल रही है डू नॉट हंच योर शोल्डर हंच मतलब शोल्डर को थोड़ा नीचे ऐसा करके बैठना ऐसा मत बैठो स्टॉप दैट द्लाउचिंग मतलब डू नॉट सिट लेली ले मत बैठो मतलब अपना जो बैकबोन है उसे सीधा करके बैठो तो मदर उसे नै कर रही है constantly. But Amanda is her own world. Amanda अपने ही ख्यालों में खोई हुई है जो में जो लाइंस गिवन है ये एमेंडा का इमेजिनेशन है और ऊपर वाला जो स्टेंजा है इट इज द राइटर ओके okay. जो एमेंडा का मम्मी उसे कह रही है तो एमेंडा अपने ही ख्यालों में क्या सोच रही है क्या सोच रही है कि देर इज द लैंग्वेज मतलब एक पन्ना का समुंदर होगा वे आर द सोल इनहेबिटेंट इज मी मतलब एक समुंदर होगा और जहां पर सिर्फ मैं ही अकेली रहूंगी मैं मतलब कौन अमेंडा खुद सोच रही है कि एक बहुत सुंदर एक समुंदर होगा जहां पर मैं खुद अकेली रहूंगी इनहेबिटेड मतलब वो पक चुकी है अपना मम्मी की डांट खाते खाते नाउ शी इज थिंकिंग हरसेल्फ एज ए मरमेड मरमेड मीन जलपरी वो अपने आप को समझ रही है कि मैं एक जलपरी हूं और एक समुंदर में ब्लिसफुली में तैर रही हूं ओके अगेन नाउ ियर आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आप जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे तो आप सुनिए फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो इस एक्सप्लेन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके अगेन डिड यू फिनिश योर वर्क ह्यूमर्क एमेंडा डिड यू टाइड योर रूम एमेंडा आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन यूर शूज एमेंडा मतलब मम्मी फिर से बोल रही है क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमेंडा क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया आई थॉट शायद मुझे ये पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपना शूज भी क्लीन कर लिया तो फिर मम्मी ने डाटा देन अगेन एमेंडा अपने ख्यालों में चली जाती है फिर वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट यहां पर देखिए एमेंडा अपने आप को सोच रही है कि वो ऑर्फन है मतलब कोई मम्मी पापा उसके पास नहीं है ऑर्फन मीन यतीम है तो ऐसा क्यों सोच रही है क्योंकि शी है जस्ट स्टाकअप बोर्ड गई है आफ्टर लिसनिंग द नेगिंग फ्रॉम मदर फिर बोल रही है कि I patterned soft dust with my bare feet. मतलब एक एक मैं मैं में घूम रही हूँ अकेले और वहां पर अपना बेयर फिट मतलब खाली पैर से और डस्ट में पैटर्न्स बना रही हूं द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट अगेन सिर्फ बोल रही है क्या बोल रही है कि द साइलेंस साइलेंस क्यूं मतलब इतना सारा आवाज सुनते सुनते शी बिकेम टोटली बोर्ड नाउ शी नीड साइलेंस उसको साइलेंस की जरूरत है शी नीड ए लोनेस ओके द फ्रीडम इज स्वीट वो वो सोच रही है कि पूरा फ्रीडम चाहिए उसको ताकि कोई उसे ना डांटे कोई उसे ना नेक करे ओके अगेन हियर अगेन द एक्सप्लेनेशन गिवन डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा अपने मुहासे और कील याद है कि वो मुहासे हो जाते हैं एट दिस एज डेफिनेटली आप लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास टेन में अभी आए हैं

I have not a care. I am Rapunzel. तो Rapunzel it is a story. ठीक है ये एक बहुत अच्छा स्टोरी है रेपुंजल होती है कि एक राजकुमारी पकड़ सकते हो होती है जो एक टावर में रहती है और उसका बहुत लंबा बाल होता है तो जो भी उस टावर में उठने की कोशिश करता है तो रेपुंजल क्या करते हैं अपना बाल नीचे फेंकती है और उसको उस पर चढ़ के हर कोई उससे मिलने जाता है तो यहां पर वो सोच रही है कि मैं रेपुंजल हूं मैं रेपुंजल हूं और मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है आई हैव केयर किसी भी चीज का डर नहीं है लाइफ इन ए टावर इज ट्रांकल ट्रांकुल मीन शांत एंड रेयर बहुत दुर्लभ और शांत है मेरा जीवन आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर मतलब मैं अपना जो ब्राइट हेयर है लंबे बाल है घने बाल है मैं नीचे कभी भी नहीं उतारूंगी रीजन यही कि एमेंडा आफ्टर लिसनिंग द नेगिंग फ्रॉम हर मदर शी हैज जस्ट बोर्ड अप So totally uh, okay? इसलिए बार बार वो अपने इमेजिनेशन में जाती है और बोलती है कि वो सिर्फ अकेली रहना चाहती है ओके ना अगेन स्टॉप दट सल एट वा सल्किंग का मतलब हो, होता है कि नाराज होना नाराज एक्चुअली जाहिर नहीं करना मतलब मन में नाराजगी नाराजगी रहना इससे बोलते हैं सलकिंग Stop that sulking at once, Amanda. तो Amanda कहाँ है? फिर से बोल रही है। देखो वो ऐसे तो वो डांट रही है बहुत ज़्यादा और फिर भी uh, she is expecting that Amanda should not sulk also। मतलब वो नाराज़ भी ना हो। You are always so moody, Amanda। फिर Amanda को ही कह रही है कि you are moody। But the in reality, Amanda's mother is too much moody. Always she tries to nag her। Okay। Anyone would think that I nagged at you, Amanda। हर मतलब ऐसे तुम्हें ऐसे नाराज देखने से चुपचाप ऐसे रहती हो ऐसे देखने से कोई भी सोच सकता है कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ बट इन द रियलिटी इट इज द फैक्ट एमेंडाज मदर इज ऑलवेज नैगिंग एट हाँ ओके सो इट इज एक्चुअली स्टोरी ऑफ ए गर्ल ऑफ टीन एज आप बोल सकते हो या फिर नॉर्मली एज पर दैट मे बी एमेंडा वुड बी ए स्कूल गोइंग गर्ल और मे बी शी इज इन हर प्यूबार्टी ऐसा हो सकता है And it is uh, just our imagination after reading these stanzas okay so amanda apne hi world may imagination make but her mother wants her to follow the customs which is set for the girls in our society clear okay now uh, we have come to the end but before ending we will see some of the poetic devices कुछ क्या यूज किया गया है या फिर कुछ एनाफोरा यूज किया गया है नाउ यू नी टू अंडरस्टैंड वनाफोरा एनाफोरा, एनाफोरा यह है कि हमेशा वो अगर देखना डीडियो डी डी यू एक वर्ड कोई भी स्टैंड का लाइन शुरू होने से पहले अगर कोई रिपीटेड वर्ड होता है उससे बोलते हैं एनाफोरा ठीक है फिर यूज किया गया है रिपीटेशन एमेंडा जो शब्द है हर एक लाइन खत्म होने से वेन एवर हर मादर यूज टू ने घर लास्ट में वो एमेंडा शब्द यूज किया गया है ओके एंड एंड मेटाफोर साइलेंस इज़ गोल्डन गोल्डन ब्राइट गोल्डन हेयर तो ये गोल्डन शब्द जो है इसे एज ए मेटाफोर यूज किया गया है रेपोजल वाला कहानी के साथ उसको जोड़ा गया है दैट इज मेटाफोर एंड सम ऑफ द एल्यूशन ऑल्सो गिवेन एल्यूशन जैसे

इस पॉइंट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दैट क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इन द ऐप ओके यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल भी अवेलेबल ओके दैट मच गुड बाय